यकीनन आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज हमारे पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो डायनेमिक लीडर है तेलंगाना के, उनका जन्मदिन केटीआर साहब एक बहुत महान अच्छे लीडर है। उन्होंने अपने पीरियड में खासतौर से उनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए। इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री का जिस तरह इन्वेस्टमेंट तेलंगाना स्टेट में हुआ है, जिसने अदर कंट्री के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर वन स्टेट तेलंगाना स्टेट। उसी तरह जीएचएमसी में कोरोना के अंदर सारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन था, कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मगर यहाँ पर जितने रोड है उन पर काम किया गया, ब्रिजेस बनाए गए, बहुत अच्छा काम हुआ है। उसी तरह आईटी मिनिस्टर इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इंडिया के आईटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारे इंडिया में डायनेमिक लीडर है, आईटी लीडर है, तो आईटी मिनिस्टर है तो केटीआर साहब है। उन्होंने अपने पीरियड में 6 साल में बहुत काम किया है। यकीनन वो बहुत महान और अच्छे लीडर है और बहुत एक्टिव लीडर है। आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन में खासतौर से जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे गोपीनाथ साहब, वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। आज ब्लड बैंक कायम किए, इस ब्लड बैंक के अंदर 1-2 हजार लोग शरीक हो रहे हैं, 2000 बॉटल ब्लड दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं, मैं ब्लड नहीं मिलता। आदमी जब बीमार हो जाता है, जब ब्लड की जरूरत होती है, दुनिया तड़पते रहता है, परेशान रहता है। ब्लड बैंक का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज हमारे डायनेमिक डिप्टी मेयर साहब फसीउद्दीन बाबा साहब भी हमारे साथ है, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज उनके जन्मदिन पर एक काम करते हुए लोगों का वेलफेयर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सारे तेलंगाना में लोग दवाखानों में मौजूद है, लोग जो हेल्थ कैंप जहाँ भी डाले हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट के लिए बहुत दवाएं दे रहे हैं। बहुत आज के दिन खैर का काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। यकीनन हम लोग खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने हमारे सीएम साहब केसीआर साहब यकीनन गॉड गिफ्ट है, बहुत अच्छी तरीके से तेलंगाना स्टेट चला रहे हैं। और उनके बेटे केटीआर साहब, बेटे होने के नाते नहीं, वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है और वो बहुत अच्छा, उनके पास जो 3 पोर्टफोलियो है, वो तीनों के तीनों पोर्टफोलियो में वो इंडिया में नंबर वन है। इसलिए आज हम सब बहुत खुश है। आज उनके जन्मदिन पर हर जगह प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर जुबली हिल्स में हमारे गोपीनाथ साहब एमएलए साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के तमाम जितने टीआरएस के लीडर्स हैं और जो जो लोग ब्लड बैंक आकर